हमारे उभरते हुए सितारे उवैस असलम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और आप सब भाइयों से शो में बर्ड्स प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ कीमती अल्फाज जो है वो इरशाद फरमाएं जी। माशाल्लाह उवैस असलम भाई इज ऑल्सो दी शो विनर और माशाल्लाह बेस्ट इन शो जो है ना वो इनकी बर्ड ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन के लास्ट शो में हुई थी और उसके लिए मैं जो है वो तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनको देख के हमारे बहुत से नौजवान जो है वो माशाल्लाह अब शो प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं अपनी बर्ड्स को के क्वालिटी फीचर्स पे काम कर रहे हैं और उनके लिए ये हमेशा अवेलेबल भी होते हैं और गाइड भी करते रहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हम लाइव चल रहे हैं, आप लोग कोशिश करें इसको सुनें सीखें और ये जो टिप्स होती हैं ना जी यही आप गेम चेंजर होती हैं। बर्ड्स तो माशाल्लाह तकरीबन भाइयों के पास क्वालिटी के होते हैं, थोड़ी बहुत शो के लिए हमें प्रिपरेशन भी करनी होती है और यही कुछ प्रिपरेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला उवैस असलम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भाइयों को गाइड करें जी। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो तमाम साथी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और मैं तहे दिल से मशहूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ APBA का जो उन्होंने ये छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और आगा शरोज खान जो इस टाइम जो है जो मौजूदा हालात हैं बर्ड के तो इस फर्टिनिटी को ज़रूरत थी इस शो की, तो ये एक बूम है जो बर्ड्स को काफ़ी ऊपर लेके जाएगा और यहाँ पे इस टाइम माशाल्लाह तमाम चैम्पियंस और तमाम विनर्स यहाँ मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन जो है पॉजिटिव वे से कराची जो है देने जा रहा है पाकिस्तान को इंशाल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि मैं लास्ट APBA के शो में जो विन किया तो वो मेरी जो छोटी सी प्रैक्टिस थी वो यही थी बर्ड को लेके कि मैंने बर्ड को कम से कम एक महीना जो है वो ट्रेन करना शुरू कर दिया था, तो मैंने उसको बॉक्स के अंदर एक महीने की ट्रेनिंग जो है मैंने दी थी। जब मेरा बर्ड जब जज जो मोहसिन भाई मुमताज़ भाई ये लोग वहाँ मौजूद थे, जब ये लोग बर्ड को जज कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोट की थी कि इन लोगों ने जिस तरह से बॉक्स को बिल्कुल झंझोड़ा, उसको स्टिक मार के देखा बट बर्ड स्टिक से नीचे नहीं आया, जैसे उन्होंने भाई ने कहा कि फड़फड़ाया नहीं, तो वो अपनी जगह पर मौजूद रहा क्योंकि वो ट्रेन बर्ड था। तो उसको मैंने वेल ट्रेन कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो विन किया और इसी तरह आप ही जो है माशाल्लाह से जो है वो अपने बर्ड को ट्रेन करें। लिटरली यकीन करें मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था बट मैं विन कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी मेहनत रंग लेकर आई। तो वहाँ से जब मुझे थोड़ा सा जब बर्ड को जब मैंने देखा और फिर मेरा शौक उभरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं इस शो में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ और मैं जो है इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि विनिंग पोजीशन हासिल करने वाला हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह मुमताज़ भाई अली नसीर भाई जो ऑलरेडी चैम्पियन है, तो कोई मसला हो कोई परेशानी हो तो हमारे सीनियर मौजूद हैं, किसी तरह की हेजिटेशन ना होनी चाहिए, बर्ड जो है कोई झिझक ना हो, बर्ड सिलेक्शन में अली भाई को बुला सकते हैं, मुमताज़ भाई को बुला सकते हैं, इस नाचीज़ की कोई ज़रूरत पड़ सके तो ज़रूर हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह इस हॉबी को पॉजिटिव वे में आगे तक लेके जाएंगे, मिलजुल कर रहें, इत्तेफाक मोहब्बत से रहें, चाहे वो लबर्ड वाले हों डब वाले हों, हम सारे आपस में एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिंदाबाद एग्रीकल्चर, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह उवैस भाई और हमारी पूरी विशेष जो है वो हमारे उवैस असलम भाई और हमारे तमाम कैंडिडेट जो माशाल्लाह अपनी बर्ड शोकेस कर रहे हैं उन सब के लिए है कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें इस एग्रीकल्चर के लिए। और जीतना हारना जी माने नहीं रखता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस होता है। आप आए बर्ड्स को समझें, बर्ड्स की केयरिंग को समझें, बर्ड्स की कीपिंग को समझें और फिर उसके बाद बर्ड्स की क्वालिटी फीचर्स को भी समझें और इंशाल्लाह ताला बर्ड्स जो है वो आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देगी, वो इंशाल्लाह ताला जितना आप बर्ड्स को टाइम देंगे, जितना आप शो बॉक्स के अंदर बर्ड्स को टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला बर्ड जो है ना वो अपने आप बेहतरीन तरीके से शो वाले दिन भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट शोज़ के अंदर वो ये कि बर्ड्स की फैमिलियरिटी है जी शो के, जिससे बहुत सारे भाई जो हैं वो थोड़ा बहुत रूटीन के अंदर भी कोशिश किया करें, बगैर शोज़ के भी अपनी बर्ड्स को शो केजेस के अंदर रखा करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बर्ड्स का कॉन्फिडेंस। रोबर्ट की अरेंजमेंट की जाए
क्या ये होने वाला रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए ये नहीं है ये है दूसरा है रुक जाए भाई बहुत जल्दी आपको ये वाला लगा दे या वो लगा दे थर्ड रोलेट और डिसाइड हो चुका है फैसला होने लगा है दिल खाम में बॉक्स नंबर